सर आप पहले अपना नाम बताएं और फिर बताएं आपने जो ये सारे इक्विपमेंट्स का हैं ये कौन सी ग्राफ्टिंग में आज आप यूज़ करने वाले हैं और ये किस महीने में होती है और इसका पूरा तरीका हमें पूरे अच्छे से समझाइए कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं तो ये हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर मीर है, मैं साइंटिस्ट हूँ फ्रूट साइंसेज कृषि विज्ञान केंद्र पोस्ट शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू से। आज के इस विषय में जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, जो हमने ये सामान जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं और ये किस पर्पज़ के लिए हमने रखा है और कौन सी ग्राफ्टिंग के लिए हमने आज ये इस्तेमाल करना है, आज हम फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं जो पीकन नट में एक मेथड हम करते हैं इसको सक्सेसफुल करने के लिए। उसके जो उसके बड़े सारे तरीके होते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए और उसी में एक है जिसको हम फोर फ्लैप यानी बनाना ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। उसी विषय में आज हमने यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे सामान देख रहे हैं, जैसे ये स्केटियर है, आप देख रहे हैं स्केटियर है, देन ये है ग्राफ्टिंग नाइफ हमारे पास है जिससे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, देन ये रबड़ बैंड्स है, रबड़ बैंड्स उसमें काम आते हैं हमारे लिए, देन हमारे पास ये एलुमिनियम फाइल है, एलुमिनियम फाइल, देन हमारे पास इलेक्ट्रिकल टैप है, चाहे हम इलेक्ट्रिकल हम तो यहाँ इलेक्ट्रिकल टैप इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम डक्ट टैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने और एक एक्स्ट्रा चीज़ एक रखा है जिसको हम धागा कहते हैं, हम इसको अपनी धागा भी थोड़ा उसको हम बिल्कुल टाइट करते हैं, वो हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से दिखाएंगे। और देन हमारे पास इसके लिए ऊपर जो हम पॉलीबैग्स रखते हैं इस कवर के लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास जो साइन वुड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइन वुड है ये हमने जनवरी के मंथ में हमने इसको जो हमारे मदर प्लांट्स है उसी से हमने इसको कलेक्ट किया है, इसके अंदर टैग भी लगी हुई है किस वैरायटी के है ये हमारे पास। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जनवरी या फरवरी के महीने में हमने इसको कलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखा है, बिल्कुल नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में हमने रखा है, डीप फ्रीज में इसको नहीं रखना है। तो आज हम आप उसको देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी लेंगे कि पूरी तरह से किस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश है और इसको हम आज यहाँ पे पूरी तरह से आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं इसका, कैसे हम जो फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग जिसको हम बनाना ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आइए, ये हमारे पास है बिल्कुल 2 ईयर का प्लांट है हमारे पास, ये 2 साल का प्लांट है, इसको हमने आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम पहले हम यहाँ से साइन वुड को निकालें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से हम इसको ये देख लीजिए आप बिल्कुल किस तरह से फ्रेश हमारे पास जो साइन वुड है जो हमने जनवरी के मंथ में हमने इसको रखा है, बिल्कुल इसके बड अभी थोड़े से स्वेल होने लगे हैं और बिल्कुल ये फ्रेश है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ कि आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा सामने लाइए, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी ग्रीन है। जी सर दिख रहा है। हाँ, इसको तकरीबन 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे। तो देन ये हमारा रूट स्टॉक है जिसको हम
यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर एक क्वेश्चन था इसमें कि जो साइन वुड होता है आपने प्रिजर्व रखा है उसके लिए रूट स्टॉक और साइन वुड का बराबर होना जरूरी है, हम कोई सा भी इसके ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा साइज का चलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक से जो साइन वुड है वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मतलब डायमीटर में हल्का सा 1-2 mm ज़्यादा होना चाहिए रूट स्टॉक से जो साइन वुड है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम प्रॉपरली इसको फ्लैप्स उठाते हैं तो फिर वो उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इसको हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। देन इसको हमने ये रबड़ बैंड है, इसको रबड़ बैंड लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रबड़ बैंड से हमें जो है बाद में फ्लैप्स जो है बिल्कुल अच्छे से इसको फिक्स हो जाते हैं। आपने इसको 1 ये हो जाए, आप यहाँ पे इसके लिए हमें सिर्फ 4 फ्लैप्स बनाने पड़े। बिल्कुल, इसीलिए इसको कहते हैं 4 फ्लैप ग्राफ्टिंग। यानी अब आप देख सकते हैं कि इसको बनाना ग्राफ्टिंग भी हम क्यों कहते हैं। आप यहाँ दिखा दीजिए, जैसे ये देख लीजिए, आप इसको बिल्कुल अच्छे से उठा सकते हैं, जैसे केले का छिलका उठता है, इसी तरह से हम इसको 4 छिलके हमने इसके उठाए हैं। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको उठाया है। देन हम इसको यहाँ से इसका खास ख्याल रखना है हमने, क्योंकि इन्फेक्शन भी ना हो जाए इतना, यहाँ से हमने इसको कट करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, इसको हमने कट किया है। देन इसी साइज़ का हमने या इससे थोड़ा, जो मैंने कहा पहले भी कहा कि साइन बोर्ड जो है थोड़ा सा इससे बड़ा भी हमें होना चाहिए, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 3-4 जो है अच्छे से वेल स्वेल्ड जो बर्ड्स है ये है जो हमें यहाँ पे, आप इसको सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि आपने बिल्कुल इसको नापना है कि आपका जो फ्लैप है ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये एक निशान रखा है, इसको इस हिसाब से हमने इसको बिल्कुल 4, ये देख लीजिए आप, इसको हम 1-2 ये हटा दीजिए। देन इसको आप अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा कैमरे को सामने लाइए, ये आप देख सकते हो कि ये कैम्बियम लेयर बिल्कुल ग्रीन कैसे है। इसी पे सबसे डिपेंड जो है, ये हमारी जो कैम्बियम इसकी है, कैम्बियम लेयर है, ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन दिखनी चाहिए, ये आपको दिख रही है यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से। अगर ये थोड़ी सी भी ड्राई हुई होती तो हमारे जो है इसके सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल कम भी है और ना होने के बराबर। आप इसको देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, प्रॉपरली चारों तरफ से हमने इसको पूरे फ्लैप्स जितने भी हैं इनको हमने, इसके बाद जो हमने रबड़ बैंड पहले इसके ऊपर फिक्स किया था, इस रबड़ बैंड को, इसका जो रोल होता है इस रबड़ बैंड का, ये इसको बिल्कुल होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे से, जैसे हम इसको हम पॉली बैग से थोड़ा सा इसको प्रॉपरली हम इसको बांधेंगे, बेस्ट तरीका जो है कि इसको पहले नीचे से बांधो, क्योंकि जब ये नीचे से इसके साथ बिल्कुल टाइट हो जाता है
आसानी से ये खुल नहीं पाएगा। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा जो धागा है धागा हम इसको इसलिए बांधते हैं कि जो ये फ्लैप्स हैं ये प्रॉपरली जो साइन वुड है उसके साथ अटैच हो जाए और जो इसका यूनियन जो है वो जल्दी से बन जाए। अदरवाइज से आप देख सकते हैं कि देन इसके बाद हम इसको फाइल रैप कर दी हमने, इसके बाद हमने और इसमें एक पॉलीथीन शीट पॉली बैग है जिसको हम इसके ऊपर लगा के इससे जो है मॉइस्चर इसके अंदर बनता जाएगा और मॉइस्चर से इससे हमें, और दूसरी बात है कि अगर हमें कोई जैसे बारिश वगैरह भी है उसको भी इससे बचा ले। सबसे ज़्यादा मेन रोल जो इसका है वो यही है कि इससे जो मॉइस्चर ये अब बिल्कुल रेडी है, फाइनल हो चुका है ये। अब इसको हम वेट करेंगे जब तक इसके अंदर से कैलसिंग भी हो जाएगी और उसके बाद ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं उसके बाद ये निकल के बड़ा हो जाए। इसके एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप, ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये प्लांट जो है इसके ऊपर हमने टंग ग्राफ्टिंग की है, कुछ में वेज ग्राफ्टिंग भी की है। ये हमने फरवरी के महीने में, ये इसी साल फरवरी के महीने में हमने यहाँ पे प्लॉट से आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी और दूसरा जो फल है उसे बिल्कुल ये फ्रूट है। ये आप देख सकते हैं कि एक साल अभी ये फरवरी मार्च अप्रैल में ये तीन महीने की ग्रोथ है इसके ऊपर, मतलब इतने से छोटे से प्लांट पर ग्राफ्टेड वाले प्लांट पर ये फ्रूट लगने शुरू हुए। बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फ्रूट आए हैं और सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज इस ग्राफ्टिंग का यही है कि हमें जो इसमें जो पीकन नट है इसमें कम से कम जो इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कम से कम 10 से 12 साल के बाद इसके ऊपर, जो अगर सीडलिंग के ऊपर हम ये सीडलिंग प्लांट लगाएंगे उसके ऊपर तकरीबन 12 साल के बाद फ्रूट आना स्टार्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले साल का ही ये प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई है और इसको हमने फरवरी के महीने में सेकंड वीक थर्ड वीक ऑफ फरवरी में ही हमने इसको ग्राफ्ट किया है यहाँ पे इसी जगह पे, और इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट्स भी आ चुके हैं। और ये प्लांटिंग मटेरियल जो हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ये हम यहाँ पे जो भी हमारे फार्मर है उनको हम ये फिर
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको भी हमने ये यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम जो ये दूसरा मेथड था, क्योंकि मैं आप ये आप आपके जहन में एक सवाल ये आएगा कि जब हमने यहाँ पे ये किया है तो उसी टाइम हमने ये भी क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसके मेथड अलग अलग होते हैं। ग्राफ्टिंग में हम खासकर जब पिकरनट ग्राफ्टिंग की बात आती है उसमें हम वेज ग्राफ्टिंग भी करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग भी करते हैं, फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग भी करते हैं और देन इसके बाद हम इसमें बडिंग भी करते हैं, बट इसमें टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे ये हमने फरवरी के मंथ में की है, उस टाइम हम फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते थे। उसका रीज़न ये है कि उसमें उस टाइम जो जैसे जो इसके ऊपर जो फ्लैप्स जैसे इसमें उठे हैं, जो सैप है, सैप फ्लो जो होता है, उस टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है फरवरी जनवरी फरवरी के मंथ में। आज जैसे अभी आपने देखा है कि इसमें बिल्कुल ये जो फ्लो था सैप का अच्छा था, हमने अच्छे से इसके फ्लैप्स उठाए हैं और ये जो साइन वुड है हमने इसको ऑलरेडी हमने स्टोर करके रखा था, तो प्रिजर्व करके रखा था, जिसको हमने आज इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने अलग अलग टाइमिंग पे हम इसमें करते हैं कि हर एक टाइम जो हम पूरे साल भर इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें कम से कम दो, अगर हमें ये लगे कि हमारी ग्राफ्टिंग जो है जनवरी फरवरी में हमारी फेल हुई है, उसको हम इस सीज़न में मई जून में हम इसको फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग या हम इसको बडिंग, इसमें चिप बडिंग भी होती है, रिंग बडिंग भी होती है, उससे भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे उसमें आपने बताया नॉर्मली 3 महीने लगे उसको फुली ग्रोथ होने में, हाई फ्रूट भी आ चुका उसमें, बिल्कुल। तो ये जो हमारी फ्लैप ग्राफ्टिंग होती है इसके अंदर कितने आप कितने टाइम लगता है कि ये इसके बड जो होते हैं ग्रो होने से? हाँ, इसमें जैसे हमने आज 29 मई है, जैसे मई है चल रहा है, आप तकरीबन जून एंडिंग जून में इसकी जो है ये जो बड्स है वो बिल्कुल बर्स्ट हो जाएगी, लीफिंग आउट हो जाएगी एंडिंग जून तक इसकी, फुल ग्राउंड प्लांट, बिल्कुल फुल ग्राउंड प्लांट। अब तकरीबन फिर हमारे पास फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी अक्टूबर और नवंबर में हम इसको रूट आउट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब तक इसका जो है पूरी तरह से इसकी ग्रोथ जो अच्छी हो जाएगी।